This video is brought to you by Howzat. Download the app now. दिल्ली पुलिस को हाईकोर्ट ने तगड़ी झाड़ लगाई है। उसकी विजिलेंस डिवीजन की एक रिपोर्ट को देखकर हाईकोर्ट इतना नाराज हो गया कि उसे रद्दी कागज तक बता दिया। कोर्ट की नाराजगी को इस बात से भी समझा जा सकता है कि उसने दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर विजिलेंस को शुक्रवार को कोर्ट में तलब कर लिया है। अच्छा, तो आपने किसी अपने सपने मेरे तुम्हारे या टीम 11 पे टीम बनाई थी? टीम तो जीत गई तुम्हारी। आप दो दिन से पैसों का वेट कर रहे हो? हाउजेट पे आओ। हाउजेट पे विड्रॉल बस कुछ ही मिनट्स में। विजिट हाउजेट.com, डाउनलोड द हाउजेट ऐप नाउ। जानते हैं कोर्ट को इतना गुस्सा क्यों आया? कुछ महीने पहले दिल्ली दंगों के एक आरोपी आसिफ इकबाल तन्हा का कबूलनामा न्यूज चैनलों ने अपने कार्यक्रम में चलाया था। आसिफ इकबाल तन्हा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। न्यूज चैनलों पर इस कबूलनामे को चलाए जाने के बाद तन्हा ने कोर्ट में केस दायर किया। उन्होंने इसे अपने खिलाफ मीडिया ट्रायल बताकर पुलिस पर आरोप लगाया कि उसने उनके कबूलनामे को लीक किया। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से जांच के लिए कहा। पुलिस की विजिलेंस टीम को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह मामले की तह तक जाए और पता लगाए कि आखिर इस कबूलनामे को किसने लीक किया है। टीम ने अपनी रिपोर्ट सोमवार को कोर्ट के सामने पेश की। कोर्ट ने जब ये रिपोर्ट देखी तो उसका पारा चढ़ गया। उसने इस रिपोर्ट को अधकचरा, रद्दी का टुकड़ा और छोटी मोटी चोरी के मामलों में दाखिल की जाने वाली रिपोर्ट से भी बुरा बताया। कोर्ट ने कहा कि शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की विजिलेंस डिवीजन के मुखिया उसके सामने पेश हों। इसके साथ ही उसने याद दिलाया कि ऐसे लीक को रोकना जांच की पवित्रता और निष्पक्षता के लिए बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कोर्ट ने क्या कहा। आसिफ इकबाल तन्हा की याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस विजिलेंस जांच पर अपनी राय व्यक्त करूं? मैं तो यही कहूंगी कि एक रद्दी कागज है और ये एक तरह से कोर्ट की अवमानना है। इस कोर्ट ने उस मामले में विधिवत जांच के लिए कहा जिसे आपने खुद राष्ट्रीय महत्व का विषय कहा है। आपने भी कहा था आप इस लीक से दुखी हैं और देखिए आपने ये विजिलेंस इंक्वायरी की है। ये विजिलेंस जांच तो पब्लिक ग्रीवेंस सेल की रूटीन जांच से भी बुरी है। चोरी आदि के केस में ऐसी जांच की जाती है। क्या है जांच रिपोर्ट में? दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अपने रोल से पहले ही पल्ला झाड़ लिया था। अब विजिलेंस इंक्वायरी की रिपोर्ट में लिखा है, पूरी केस फाइल के साथ बाकी डॉक्यूमेंट्स स्पेशल सेल ने दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय में अप्रूवल के लिए भेज दिए हैं। जिस लीक का आरोप शिकायतकर्ता द्वारा लगाया गया है उनसे इस बारे में फिलहाल कुछ भी पता नहीं चला है। इस बीच दिल्ली पुलिस के वकील अमित महाजन ने पुलिस का बचाव करते हुए कहा कि जिस कबूलनामे की बात की जा रही है वह तो उन्होंने भी नहीं देखा है क्योंकि वह फाइल सीधे कोर्ट को भेज दी गई थी। लेकिन कोर्ट ने इस बयान पर भी गुस्सा जताते हुए कहा, कल को ऐसे ही आप कह देंगे कि ये लीक मेरे ऑफिस से हुआ है। छवि खराब करने का आरोप। उधर जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट आसिफ इकबाल तन्हा की तरफ से पेश वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने पुलिस पर स्टूडेंट की छवि को खराब करने का आरोप लगाया है। वकील ने कहा, पुलिस सिर्फ अपने लोगों को बचाने के लिए काम कर रही है। जिस कबूलनामे की कोर्ट में कोई अहमियत ही नहीं है उससे ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि आरोपी ने ही अपराध किया है। इस मामले में अदालत में मीडिया पर भी सवाल खड़े किए जा चुके हैं। कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने दंगा मामले में स्टूडेंट के कथित कबूलनामे के प्रसारण पर एक न्यूज चैनल से सवाल किया था। साथ ही कहा था कि इस तरह के दस्तावेजों को बाहर लाकर प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। उसने चैनल से उस सोर्स के बारे में बताने के लिए कहा था जिसने उसे एक कबूलनामा उपलब्ध कराया था। इस पर चैनल ने जवाब में कहा था कि उसे जानकारी दंगों के कवरेज करने के दौरान ही कहीं से मिली है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अमित ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए डी लल्लन टॉप। शुक्रिया।